हेलो दोस्तों, पंकज मगन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बताए थे कि जो पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं, ये देखिए, ये आए हुए हैदराबाद से और अभी इनका जो पार्ट थर्ड का है ये फॉर्म छूट गया है। नहीं, जमा नहीं, पता कब ऑनलाइन हो गया, बस जमा करना। ऑनलाइन हो गया, जमा नहीं हुआ। ऑनलाइन नहीं हुआ बस। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कब तक डेट है फॉर्म भरने का? इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी छात्र को, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी मगध विश्वविद्यालय में हैं जो कहीं ना कहीं, मेरे साथ दो लड़का और है, दो लड़का और है, उसका भी छूटा हुआ। उसका छूटा नहीं तो छूटा कैसे है? आपका स्कूल नहीं जाए, मतलब कॉलेज नहीं जाते? एक महीने से जा रहा जमा कर लिए, प्रिंसिपल टीचर सब लोग बोल रहे आज सोमवार क्या हो, अगला सोमवार क्या, अगला मंगल क्या, ऐसे करते करते एक महीना से। हाँ, एक महीने से हो गया। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों क्यों बोल रहे थे ऐसा? लास्ट में बोले कि जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी जा। नहीं तो लास्ट में क्यों ऐसा बोले? तो देखिए बहुत सारी समस्या है, जो डेट खत्म हो गया, डेट, हाँ तो डेट तो खत्म हो गया, मगध विश्वविद्यालय गए थे। अच्छा, मगध विश्वविद्यालय का भी डेट हुआ, फिर डेट खत्म हो गया, उसके बाद भी गए, तब भी बोले कि डेट खत्म हो गया, जो अगला मंगल क्या हो, जो प्रिंसिपल आएंगे तब मिलना। तो कहने का मतलब है कि जब मगध विश्वविद्यालय में आए खोज रहे हैं कि कॉलेज कहाँ है, तो ये पूरा कॉलेज ही है समझे। आपका जो फॉर्म है इनका फॉर्म देख लेते हैं, उसका इनको बता देते हैं, ऐसे भी वहाँ से पता कर लीजिएगा और श्योर रखिए कि यहाँ से डेट ख़त्म हो चुका है। क्योंकि कल भी ऐसे लोग बहुत सारे आए थे तो गए, तो वहाँ पर से सर यही कहते हैं कि बेटा डेट ख़त्म हो गया, अब जब पार्ट थर्ड का फिर से फॉर्म भराएगा उसमें आप भर सकते हैं, समझे। हाँ, यही आप 10 दिन पहले विश्वविद्यालय आते, 10 से 12 दिन पहले तो आपका जमा हो जाता लेट फाइन के साथ, बट अब नहीं होगा। और जितने भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को मेरे, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये हैदराबाद से आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि अब 5 साल में ग्रेजुएशन जब हो रहा है तो कितना आदमी क्या करे, क्योंकि अपना दैनिक भी जीवन देखना होता है, परिवार विवार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे को जाना चाहिए, बहुत सारे पास चैनल जाना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको बारीकी से इन्फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो इनको पूरा चीज़ दिखा देते, देख लेते और बता देते हैं। ठीक, आप तो जैसा कि आप देखेंगे वीडियो को ये पूरा, और आपको अंदाज़ा बहुत, जो एक्सपीरियंस वाले होल्डर होंगे जो जानते हैं कि वो लड़का आया, उसके बातों से भी पता चलता है कि एक महीने से कॉलेज वाले उसे घुमा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं लगता मुझे, क्यों? क्योंकि जब उससे मैंने कहा कि आप लाए हैं कॉलेज से तो दिखाइए, तो बोला डायरेक्ट हम हैदराबाद से विश्वविद्यालय ही आए हैं। कॉलेज वाले प्रिंसिपल बोले कि जाओ विश्वविद्यालय में ही काम होगा। तो 15 तारीख को हम जैसा लगे लाइब्रेरी जा रहे थे, जाने के बाद लड़का मुझे मिला और बोलने लगा कि हम आपको वीडियो हैदराबाद से देखते हैं। तो मैंने कहा कि जब देखते हो तो आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये छात्र जो है, मैं वीडियो को वॉच करता है और इसको पता होना चाहिए, जो भी मैं छात्र आउट ऑफ स्टेट बिहार से बाहर से रह रहे होंगे उनको पता होना चाहिए कि जब भी कुछ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो कहीं कहीं छात्र आना नहीं सोचता कि जाइए भाई जाएंगे, 10 दिन बाद जाएगा, 2 दिन जाएगा, 5 दिन बाद जाएगा, तो 5 दिन करने मतलब जाएंगे आएंगे कहीं से हैदराबाद से, तो 5 दिन बाद आया तो 500 रुपये का सबसे 2500 रुपये बढ़ा जाएगा, चलो किसी को देख के करवा लेते हैं। बट बहुत सारे मगध विश्वविद्यालय के ऐसे कॉलेज है, अंगभूत कॉलेज, कि अपने आप में एक रॉयल्टी रखते हैं। जब तक मगध विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं, मगध विश्वविद्यालय कहने मतलब उसके अंडर जितने भी कॉलेजेज हैं उसके छात्र हैं, तो जब तक वो छात्र नहीं जाता है कॉलेज, स्टूडेंट नहीं रहता है, तब तक वो फॉर्म भरने एलिजिबल नहीं सोचते हैं। इसके साथ बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ, लास्ट में जब टाइम निकल गया, सब चीज़ निकल गया, तो कहा गया कि जाओ कॉलेज आओ, कॉलेज से कॉलेज वाले बोले कि जाओ अपना भरवा के लाओ विश्वविद्यालय से, उसको वो रहेगा विश्वविद्यालय देखेगा। तो सब सीमा जब इसका पार हो गया तो इसे, इसको लगा चलो विश्वविद्यालय में ही हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय की कोई जो होता है नियम होता है, कानून होता है, कायदा होता है कि कब फॉर्म भराना है, कब क्लास डेट होता है, ऐसे नहीं 15 तारीख को था और जबकि एडमिट कार्ड का सब पे वर्क हो चुका था, तो कैसे कैसे ले लें वो सर? और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आए भी थे, आप मेरे वीडियो को देख भी रहे होंगे लगभग, मैंने उससे 5 दिन पहले कि लेट फाइन लेके जमा भी कर रहे हैं। बट जब पूरा सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है, सभी चीज़ को प्रिपेयर कर दिया जाता है, फिर आपका कैसे लेंगे? जैसा कि आज वीडियो में बना रहा हूँ 17 तारीख को, कल 16 तारीख का था, बहुत सारे कॉलेज में एडमिट कार्ड चला गया है, बहुत सारे आर्ट्स वालों का, आवाज़ हो सकता है साइंस वालों का, कल से मिलना चालू हो जाएगा एडमिट कार्ड। तो कहीं ना कहीं छात्रों को सोचना चाहिए कि अभी
बोले कि साइंस वालों को एडमिट कार्ड नहीं गया है तो आज जमा करके फॉर्म एडमिट कार्ड दो, ऐसा नहीं होता है समझे। और मैं वैसे छात्रों को हिदायत देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है, इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। आपका फॉर्म छूटता है, आपका प्रैक्टिकल छूटता, आपका कुछ भी छूटता है, उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। क्योंकि एक समय सीमा जो निकाला जाता है उसके बाद भी कुछ दिन बढ़ाया भी जाता है विश्वविद्यालय की तरफ से। जब तक आप रेडी नहीं होते हैं तो ये इसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे। और कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती नहीं, आपकी गलती है और आप इसके जिम्मेवार हैं। ये आपको करवा सत्य से मानना ही होगा। और बट बेफिक्र रहिए, ऐसे जिनका जिनका छूट गया पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम फॉर्म भराना, वो जब आएगा सेशन थर्ड वाला उस टाइम आप भर दीजिएगा। और वैसे छात्र मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि जब पार्ट थर्ड भरिए, जब पार्ट वन पार्ट टू क्लियर रहे, ऐसा नहीं कि पार्ट थर्ड आप पार्ट वन पार्ट टू क्लियर ना रहे तब आप भर दीजिए, तो इससे आपको बहुत बड़ी नुकसान होगा। वैसे छात्र झेल भी रहेंगे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से ब्लॉग के माध्यम से मेरे पास आएंगे, हम आपको वो भी चीज़ दिखाएंगे जो से छात्र वैसे छात्र हैं जो झेलते हैं ये चीज़ को। वन टू क्लियर नहीं होता है पार्ट थर्ड भर देते हैं, जब तक वन टू आप फाइनल ना करें जब तक पार्ट थर्ड ना भरें, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा, और बहुत जल्दी सोमवार को सभी अपने अपने कॉलेज मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, एफिलेटेड गैर एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, सोमवार को एडमिट कार्ड जाके अवश्य लें। क्योंकि बहुत सारे सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं रहने पे एग्ज़ाम नहीं घुसने दिया जाता है, तो अपना बस एडमिट कार्ड जाएं डाउनलोड करें और उसको देखें। किसी तरह का त्रुटि होता है तो अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य उनसे जाके अपनी शिकायत करवाएं और करेक्शन करवा के रख लें, क्योंकि आने वाला समय में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका सुधर के ही आएगा, ठीक। और कुछ ही ऐसा कुछ होता है आपके एडमिट कार्ड में तो मुझे कमेंट्स जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। बाय बाय।